दोस्तों, सांप एक ऐसी जानवर की प्रजाति है जिससे हर कोई दूर रहना पसंद करता है। कुछ सांप तो ऐसे भी होते हैं जो इंसानों तक को निगल जाते हैं। एनाकोंडा सांप इतने बड़े होते हैं कि वो एक आदमी को पूरा का पूरा एक बार में ही निगल सकते हैं। इसके ऊपर तो हॉलीवुड में कई फिल्में भी अब तक बन चुकी हैं और शायद आपने भी ऐसी किसी फिल्म को जरूर देखा होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में सांपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 3500 प्रजाति के सांप खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 600 प्रजाति के सांप ही जहरीले होते हैं। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो जमीन से ज्यादा पानी में रहना पसंद करते हैं। कुछ जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि उनके जहर का कोई इलाज ही नहीं होता। इन्हीं सब वजहों से ज्यादातर लोग सांप को काफी खतरनाक जानवर मानते हैं और उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप सुंदर भी होते हैं? आपको सुनकर शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कुछ सांप बहुत ज्यादा सुंदर भी होते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सबसे खूबसूरत दिखने वाले सांपों के बारे में बताएंगे। इन सांपों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि सांपों में इतनी सुंदरता कैसे हो सकती है, और शायद जब आप इन्हें अगली बार देखेंगे तो आपको इन्हें अपने घर में पालने की इच्छा होने लगेगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाइट स्नेक। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन सांपों का कलर ब्लैक या ब्राउन नहीं बल्कि व्हाइट है, जो कि काफी हैरानी की बात है। और इसके कलर की वजह से ही इनका नाम व्हाइट स्नेक पड़ा है। दोस्तों, इनके व्हाइट रंग की वजह से लोग इन्हें मिल्क स्नेक के नाम से भी जानते हैं। इस प्रजाति के सांप ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जब ये सांप अंडों से निकलते हैं तब ये अलग अलग तरह के रंगों के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनका रंग सफेद हो जाता है। पूरी तरह से सफेद दिखने वाले ये सांप शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक है, और शायद अपनी खूबसूरती की वजह से ही ये सांप लोगों की नजरों में आते हैं और उनका शिकार बन जाते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। पर दोस्तों, खूबसूरत दिखने वाला ये सांप काफी ज्यादा जहरीला भी होता है, लेकिन ये सांप तभी अटैक करते हैं जब इन्हें छेड़ा जाए या परेशान किया जाए। इन सांपों की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये 1.3 मीटर तक के हो सकते हैं। ये सांप काफी बड़े और भारी भी होते हैं। रेनबो स्नेक। दोस्तों, आपने बहुत तरह के सांप देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी रेनबो के रंग की तरह दिखने वाला सांप देखा है क्या? हमें अच्छी तरह पता है कि ऐसा सांप आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, लेकिन चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि रेनबो की तरह दिखने वाला सांप कैसा होता है। जिस तरह रेनबो में 7 कलर होते हैं, उसी तरह इस सांप के ऊपर भी रेनबो के रंग बने हुए होते हैं। इस सांप के ऊपर रेनबो कलर की धारियां होती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम रेनबो स्नेक पड़ा हुआ है। इस सांप की पीठ पे नीला और काला रंग होता है, और ये सांप बहुत चमकीला होता है, जिसकी वजह से इसके 7 रंग उभर कर दिखाई देते हैं। इस सांप की लंबाई लगभग 166 सेंटीमीटर तक हो सकती है। रेनबो स्नेक ज्यादातर पानी के आसपास देखे जाते हैं, क्योंकि ये पानी के आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए इन्हें मेंढक और मछली खाना बहुत पसंद होता है। ये सांप शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए बहुत कम नजर आते हैं। इन सांपों की उम्र 19 साल तक होते हैं। 19 साल तक ये सांप जिंदा रह सकते हैं। इनके कम दिखने का एक कारण ये भी है कि इनकी संख्या नाम मात्र की रह गई है। ग्रीन ट्री पाइथन। ग्रीन ट्री पाइथन अपने नाम के अनुसार ही बिल्कुल हरे रंग के होते हैं, और अपने नाम के अनुसार ही ये पेड़ों पर रहते हैं। पेड़ों पर रहने वाला ये हरा सांप दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसकी खूबसूरती लोगों को आकर्षित भी करते हैं। ये सांप ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पाए जाते हैं, और ये सांप 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये सांप दूसरे सांपों के मुकाबले अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। इन सांपों के शरीर पर कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां भी बनी हुई होती हैं, जो इन्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। ये सांप पेड़ों पर कुछ डायमंड के आकार की तरह बैठते हैं, जिसमें ये अपने पूरे शरीर को पेड़ की ब्रांच पे लपेट लेते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने के लिए ये अपनी पूंछ का सहारा लेते हैं, और पूंछ की पकड़ बनाकर पेड़ पे ये बड़ी आसानी से लिपट जाते हैं। अपनी पूंछ को ही इस्तेमाल करके उसे हिलाकर ये सांप जानवरों को लालच भी देते हैं, और जैसे ही कोई जानवर इनके करीब आता है ये तुरंत उसे झपट लेते हैं और उसे मार देते हैं। दोस्तों, एक फीमेल स्नेक एक बार में लगभग 30 से 35 अंडे देते हैं, जिसमें से हरे और चमकीले पीले रंग के बच्चे निकलते हैं। इन सांपों का हरा कलर बिल्कुल पेड़ के पत्तों की तरह होता है, जो कि बहुत ब्राइट होता है। ब्लू रेसर स्नेक। अब जिस सांप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो सांप 12 से 16 किलोमीटर घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। नीले और चमकीले रंग के देखने वाले ये सांप बेहद ही खूबसूरत होते हैं, और इनकी खूबसूरती तब और ज्यादा देखने लायक होती है जब ये भाग रहे होते हैं। पेनिनसुला के आसपास नमी वाले इलाकों में ये सांप काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन सांपों की खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। ये सांप नदी, तालाब और झरनों के किनारे रहना पसंद करते हैं। ये सांप 36 से 60 इंच तक लंबे हो सकते हैं। चूहे और छिपकलियों को तो ये अपना खाना बनाते ही हैं, साथ ही छोटे मोटे जीवों को भी ये बड़ी आसानी से खा लेते हैं। इन सांपों की आयु 10 साल तक होती है, और ये सांप काफी तेजी से अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। ग्रेटर स्नेक। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ये सांप पालतू सांपों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग इन सांपों को घर में पालना पसंद करते हैं, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये है कि ये सांप देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं, साथ ही ये जहरीले भी नहीं होते। हालांकि इन सांपों के अंदर एक न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, लेकिन ये जहर इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होता।
ये सांप कई अलग अलग तरह के कलर के देखने को मिलते हैं। इन सांपों के शरीर पर गर्दन से लेकर पूंछ तक अलग अलग रंग के स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं। ये धारियां सफेद, नीली, हरी या काली हो सकते हैं। अगर इनके साइज की बात की जाए तो ये सांप दूसरे सांपों की तुलना में काफी ज्यादा छोटे होते हैं और इनकी लंबाई 23 से 30 इंच तक की हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लंबाई की बात करें तो ये 6 फीट तक के हो सकते हैं। इस प्रजाति के सांप रात की जगह दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये मेंढक और मछलियां खाना पसंद करते हैं। अपने साइज के मुकाबले ये सांप काफी तेज भाग सकते हैं और अपने इस गुण का इस्तेमाल करके ये सांप शिकारियों से भी बड़ी आसानी से बच निकलते हैं। ईस्टर्न कोरल स्नेक। दोस्तों, अगर ईस्टर्न कोरल स्नेक की बात करें तो ये सांप दूसरे सांप के मुकाबले देखने में काफी ज्यादा अलग होते हैं। इस प्रजाति के सांप का मुंह गोल होता है और उनके पूरे शरीर पे लाल, पीले और ब्लैक कलर के बैंड्स बने होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी खूबसूरत भी नजर आते हैं। पर दोस्तों, खूबसूरत दिखने वाला ये सांप काफी जहरीला भी होता है और ये किसी पे भी अपना जहर उगलने में पीछे नहीं हटता। जब भी कोई इंसान जाने अनजाने में इनके पास चला आता है या गलती से इनके ऊपर पैर रख देता है तो ये सांप उसे तुरंत काट लेता है। इतना ही नहीं, ये सांप अपने जहर को इंसानी शरीर में इंजेक्ट करने के लिए इंसानों की चमड़ी को चबाने भी लगता है, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सांप अमेरिका के सदर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं। ये ज्यादातर अपने बिल में ही रहते हैं या फिर पत्तों के नीचे छिपे रहते हैं। रेड मिल्क स्नेक। रेड मिल्क स्नेक देखने में ईस्टर्न कोरल स्नेक की तरह ही लगते हैं, क्योंकि इनके शरीर पे भी उसी तरह के बैंड्स बने होते हैं। पर इन दोनों के बीच ये अंतर होता है कि रेड मिल्क स्नेक ईस्टर्न कोरल स्नेक की तरह जहरीले नहीं होते। रेड मिल्क स्नेक साउथ अमेरिका के हर हिस्से में देखने को मिल जाते हैं। इन सांपों की लंबाई काफी कम होती है, जो कि आमतौर पर 20 इंच तक के होते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रजाति के कुछ सांपों की लंबाई 5 फीट तक हो सकते हैं। इन सांपों को मिल्क स्नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये सब रात को सोई हुई गाय का दूध पीते हैं। लेकिन जब इस बात की जांच की गई तब रिसर्च में सामने आया कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन सांपों के मुंह का स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं ये किसी गाय का दूध पी सके। ये सांप चूहे और पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने दुनिया में कितने तरह के सुंदर और अनोखे सांप भी पाए जाते हैं। हमें यकीन है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सांपों को सिर्फ जहर की वजह से याद नहीं रखेंगे, बल्कि इनकी सुंदरता के लिए भी इन्हें याद रखेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सबसे सुंदर सांप आपको कौन सा लगा ये भी जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस तरह की अमेजिंग वीडियोस देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।